सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MiG-35 को लेके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से MiG-35 को लेके एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि इस फाइटर जेट को MMRCA-2 टेंडर में सिलेक्ट कर लिया गया है और इसको लेके आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। तो सबसे पहली बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इसको लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को नहीं दिया गया है कि MiG-35 को MMRCA-2 टेंडर में सिलेक्ट किया गया या फिर नहीं किया गया है। अभी आपको ये जो न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, इसके बारे में मैंने आप सभी को करीब एक महीना पहले बताया था कि मिग कॉरपोरेशन के CEO ने एक स्टेटमेंट दिया था कि MMRCA टेंडर में MiG-35 के सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और इसको लेके इंडिया के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और अभी बस इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के चीफ BS धनोआ जी के रिसेंट स्टेटमेंट को देखें तो वो अभी भी कुछ ही दिन पहले ही रशिया के दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने MiG-35 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा किया था। इसके बाद जब उनको MiG-35 और MMRCA टेंडर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि MiG-35 एक कम्प्लीटली नया एयरक्राफ्ट है, लेकिन MMRCA टेंडर में जिस भी फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा उसे टेंडरिंग प्रोसेस के रूल के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा और इन सारे एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के द्वारा बारीकी से टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। अभी की बात करें तो MMRCA-2 टेंडर को लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू नहीं किया गया है और इवेल्यूशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे में किस बुनियाद पर MiG-35 को MMRCA-2 टेंडर में सिलेक्ट कर दिया गया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी सारे कंपनी केस दर्ज कर सकते हैं कि टेंडर निकाल कर सारे कंपनीज की बिड को देखे बिना ही किस बुनियाद में MiG-35 को सिलेक्ट किया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MiG-35 एक अच्छा फाइटर नहीं है, लेकिन अगर हम रूल्स के मुताबिक देखें तो MMRCA-2 टेंडर में किसी एयरक्राफ्ट की सिलेक्शन होना अभी बाकी है। अगला अपडेट मिका एयर टू एयर मिसाइल को लेके है। एक लीडिंग डिफेंस न्यूज साइट में एक आर्टिकल आया जिसमें ये बताया गया है कि MBDA की तरफ से अभी ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि वो अभी मिका मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन वेरियंट को डेवलप कर रहे हैं, जिसे फ्रेंच नेवी और फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इस मिसाइल को रफाल और मिराब 2000 जेट्स को ऑपरेट करने वाले सारे कस्टमर्स को भी ऑफर किया जाएगा। इन मिसाइल्स को 2026 के बाद फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी में ऑफिशियली इंडक्ट किया जाएगा और 2030 तक सारे मिका मिसाइल्स को मिका एनजी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मिका एनजी में बोथ RF और IR सीकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इसे बोथ शॉर्ट रेंज और VVR रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर में इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेडेड मिराब 2000 और रफाल जेट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच होने वाली नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर डील को लेके। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इस डील के अंदर 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स को खरीदा जाएगा, जिनकी कीमत करीब $2 बिलियन की है। नेवल चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से बताया गया कि इस डील को लेके नेगोशिएशन लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोसीड्योर को फॉलो किया जा रहा है और इस तरह के प्रोसीड्योर को हम तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर खरीदे जाने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में फॉलो किया जाता है। नेवी को अभी करीब 123 नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है और इसके लिए अगस्त 2017 में एक टेंडर को निकाला गया था। अभी बस इमरजेंसी बेसिस पर 24 हेलीकॉप्टर को खरीदा जा रहा है, लेकिन 123 नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की टेंडर में इसको बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट कारगिल वॉर को लेके। ये कहानी हवलदार राम रतन महतो की है, जो कि एक ड्राइवर थे, लेकिन कारगिल वॉर के दौरान उन्होंने अकेले ही 29 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने का रिकॉर्ड किया था। मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि वो आर्मी के ड्राइवर थे और उनको मोटर गैरेज में एक LMG के साथ डिप्लॉय किया गया था। रात को करीब 12:30 बजे के आसपास उन्होंने कुछ दुश्मन की हलचल को स्पॉट किया था और तुरंत ही उन्होंने LMG से उन पर हैवी फायरिंग करना शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्होंने करीब 3 मैगजीन खाली कर दी और बस कुछ ही समय के अंदर ही 29 पाकिस्तानी सोल्जर मारे जा चुके थे। जब इस बात का पता चला तो उनको उनके रेजिमेंट में हीरो का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि कारगिल वॉर के दौरान उन्होंने 19 बार दुश्मनों का सामना किया था, जिसमें से 18 बार उन्होंने दुश्मनों को भगा दिया था, लेकिन 19वीं बार उनको चोट लग गई थी और एक स्प्लिंटर उनके लेफ्ट लेग में घुस गया था, लेकिन वो फिर भी ट्रक लेकर करीब 3 किलोमीटर चले गए थे, जहां पर फील्ड एम्बुलेंस मौजूद था
पर उस वक्त हैवी फायरिंग चल रही थी जिस वजह से उनको रात भर बंकर में रहना पड़ा था और फिर उन्हें वहां से श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया था। इन सब के बाद वो अपने होश खो चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल में जब उनको होश आया तो उनके पास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस वक्त हमारे आर्मी चीफ मौजूद थे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।